का एक नया चैप्टर चालू कर दिया। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझेगा। ये चैप्टर 11th में भी था, बराबर है। जब लास्ट टाइम 11th में भी ये चैप्टर हमें था, तो अभी पहले वो चैप्टर थोड़ा रिवाइज करो आप, और बाद में 12th का एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर, मतलब पहला वो चैप्टर रीड करो थोड़ा, वो वीडियो पहले देखो, बाद में ये चैप्टर समझ लो, तो आपको इजी जाएगा समझ। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी पहले हम चार्ज के बारे में देखते हैं ना। इससे पहले एक चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या नाम था चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, जब चार्ज इज रेस्ट, मतलब ये सब कुछ चार्ज है, कौन सा चार्ज है, क्यों चार्ज है, या कोई भी एक चार्ज है, चार्ज किधर है, रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, चार्ज अगर स्टेशनरी है, उसके बारे में जो हमने पढ़ाई किया था उसको क्या कहा था, क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। मतलब चार्ज जब स्टेशनरी होता है, एक ही जगह के ऊपर चार्ज है, सपोज इधर चार्ज है ये वाला, इधर मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा मूव, मतलब एक ही जगह के ऊपर फिक्स है, वो जो पढ़ाई होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अभी हमारे पास सपोज चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब क्या, हमने चार्ज को इधर रखा, थोड़े टाइम के बाद चार्ज इधर चला गया, तो चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो रनिंग चार्ज की जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे उसका नाम क्या रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज क्या हो रहा है, अभी मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसा फ्लो हो रहा है, समझेगा। तो अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखेंगे कि कौन सा चार्ज मूव हो रहा है, एक जगह से चार्ज क्या होता है, मूव होता है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं उसमें जंक्शन का मतलब क्या है, उसके बारे में देखेंगे। पहला जंक्शन, क्या नाम है, जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या, एक जगह के ऊपर अगर सपोज करंट आ गया, उधर से करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब सपोज देखो इधर से इधर तक करंट आया, अब इधर उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या नाम कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जंक्शन। क्यों जंक्शन कहेंगे, क्योंकि देखो सपोज इधर से कुछ करंट आ रहा है, समझे ना, कितना करंट आ रहा है, सपोज 10 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, 10 एम्पियर करंट आ रहा है। लेकिन अभी इधर उसके पास दो रास्ते ही जाने के लिए, देखो उसके पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इधर करंट डिवाइड हो सकता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, जंक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन, मतलब इधर से करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दो जगह ऐसे करंट स्प्लिट हो सकता है, कितना हो जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ये 7 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर हो गए, ये 3 एम्पियर हो गए, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। मतलब जिधर से करंट डिवाइड होता है, ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, जंक्शन बोलेंगे, समझेगा। तो पहला ही एक लॉ रहता है, किरचॉफ्स लॉ, इसके बेसिस के ऊपर क्या रहेगा, एक किरचॉफ्स लॉ, या फिर उसको ये क्या नाम देते हैं, जंक्शन लॉ, समझे ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ, समझे ना, क्या नाम लिखेंगे, फर्स्ट लॉ किसका है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर उसको ये क्या बोलते हैं, करंट लॉ, क्या नाम बोलेंगे उसको, करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ या फिर क्या बोलेंगे उसको, जंक्शन लॉ, बराबर। तो क्या रहता है फर्स्ट लॉ, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या लिखेंगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज, कितना होता है, जीरो होता है, कितना होता है, इक्वल टू, इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अभी इसका मतलब क्या है, कि क्या लिखा है इधर, द अल्जेब्रिक सम ऑफ
ऑल इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, बराबर। अलजेब्रिक सम ऑफ एनी करंट इक्वल टू एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि सपोज ये वाला जंक्शन है, सपोज ये वाला करंट इधर से ऐसा आ रहा है और ये वाला ऐसा इधर जंक्शन है सपोज, है समझेगा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन हो गया। अब इसमें हम तीन करंट मानते हैं, सपोज ये वाला करंट आई वन है, ये वाला करंट आई टू, ये वाला करंट है आई थ्री, ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, मतलब इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ये वाला जंक्शन है ना, तो ये करंट इंटरिंग इन द जंक्शन, जंक्शन के अंदर इंटर कर रहे, और ये वाला क्या है करंट लीविंग द जंक्शन, इसका नाम लिखा आई फोर और इसका नाम क्या लिखा आई फाइव, मतलब तीन करंट जंक्शन के अंदर आ रहे, देखो एक दो तीन, ये जंक्शन के अंदर आ रहे और ये दो करंट बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, मतलब इधर कितना करंट है अभी, तो इस जगह के ऊपर करंट कितना रहेगा, जीरो रहेगा, इसका मतलब क्या है कि इस जगह के ऊपर करंट कुछ भी जमा नहीं हो रहा, जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट क्या हो रहा है बाहर जा रहा है, तो करंट इधर कुछ जमा हो रहा है क्या, नहीं जमा हो रहा है, इधर करंट कितना जमा हो रहा है, जीरो जमा हो रहा है, तो इसमें कुछ साइन कन्वेंशन रहेगा, कौन सा साइन कन्वेंशन रहेगा, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है ना, करंट इंटरिंग इन द जंक्शन, उसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव, ये वाला करंट कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, निगेटिव, उस करंट को क्या बोलेंगे, निगेटिव, बराबर, मतलब ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये वाला निगेटिव, प्लस या फिर माइनस बोलेंगे, जो करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है वो प्लस और बाहर जा रहा है वो क्या रहेगा, माइनस। अभी इस लॉ से कैसे लिख सकते हो कि अंदर जितना करंट आ रहा है तो कितना लिखेंगे हम, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, बराबर ना, सभी करंट का सम माइनस कितना हो जाएगा, आई फोर माइनस आई फाइव, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट एट अ जंक्शन, समझे ना, ये तीन करंट आने वाले तीन करंट जाने वाले इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो और क्या लिख सकते हैं हम, आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई थ्री, ये तीनों दोनों को भी इधर किया तो क्या हो जाएगा, आई फोर प्लस आई फाइव, समझ रहे, तो ये वाला मीनिंग हो गया कि जितना करंट अंदर आ रहा है, तीन करंट अंदर आ रहा था तो बाहर जाने वाला भी उतना ही करंट रहेगा, समझेगा, ये वाला करंट का जंक्शन लॉ। अभी एग्जाम्पल के तौर देखेंगे तो कैसे आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, देखो इजीली समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल कैसे लिया कि देखो सपोज ये वाला जंक्शन है, इधर से सपोज दो जगह से करंट आ रहा है ना, और इधर से तीन जगह करंट स्प्लिट हो रहा है, इधर से कितना आ रहा है करंट 10 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है करंट 5 एम्पियर, तो इधर कितना करंट हो गया 15 एम्पियर ना, तो उसमें से कुछ 3 एम्पियर इधर गया, 8 इधर गया, बराबर, 8 और 3 कितना हो गया 11, तो इधर कितना करंट आएगा 4 एम्पियर, तो इधर कितना करंट जमा हो गया बोलो जरा, इस जगह के ऊपर कुछ करंट जमा हो रहा है क्या, नहीं, कितना करंट जमा हो गया इधर, जीरो, मतलब इधर कुछ करंट ही नहीं, जितना करंट अंदर इंसर्ट हो रहा है अंदर आ रहा है उतना ही करंट इधर से लीव कर रहा है जंक्शन को, समझेगा, यही लॉ बताता है। तो क्या बताता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, मतलब इस जंक्शन के ऊपर करंट कितना है, जीरो है, समझेगा, फर्स्ट लॉ, बराबर। अब ये किसके बारे में हो गया, करंट के बारे में हो गया, किसके बारे में हो गया, करंट के बारे में हो गया, वैसे ही किसके बारे में देखते हो, वोल्टेज के बारे में सेकंड लॉ आ जाएगा, सेकंड लॉ किसके बारे में आ जाएगा, वोल्टेज के बारे में आ जाएगा, अभी फर्स्ट लॉ क्या था ना, वैसे सेकंड लॉ किसके बारे में है, वोल्टेज, तो वोल्टेज लॉ क्या बताता है, एक लूप के बारे में बताता है, वोल्टेज लॉ क्या बताता है, एक लूप है सपोज, ऐसा क्लोज लूप है, क्लोज लूप मतलब क्या, चारों साइड से बंद, समझे ना, नेटवर्क, सपोज मैंने डायग्राम निकाल दिया, तो देखो ऐसा एक क्लोज लूप दिया इधर,
रेजिस्टेंस, इधर भी एक रेजिस्टेंस, अगर इधर दूसरा रेजिस्टेंस है, इधर एक प्लस दूसरा एक सेल है, इधर एक रेजिस्टेंस है, बाद में इधर ऐसे करंट उसको ज्वाइन किया था। ऐसा एक जंक्शन, मतलब ये वाला क्या है, सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क किसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे, या फिर क्लोज लूप किसको बोलते हैं, समझे ना। लूप, लूप के लिए हम पहले नाम देते हैं उसको। लूप कैसे आएगा, सपोज हमने क्या नाम लिखा, ये वाला क्या हो गया, ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट ई और एफ, बरोबर। तो इसको हम लूप, बरोबर ना, अलग अलग लूप रहेगा। क्लोज लूप मतलब क्या, चारों साइड से बंद रहेगा। तो पहला लूप कौन सा बोलेंगे हम, ये वाला देखो, इधर से चालू किया, ये वाला एक क्लोज लूप मिल रहा है हमें, बरोबर। कौन सा लूप आ रहा है बोलो जरा, कौन से लूप का नाम हो सकता है, ए बी, उसके बाद क्या आएगा, ई एफ ए, क्लोज लूप मतलब चारों, पूरा जिधर से चालू किया वापस उधर तक ही आना चाहिए। हो गया पहला लूप। सेकंड लूप कौन सा आएगा इसमें, ये वाला आएगा, बी से चालू करते हैं अभी। सेकंड लूप कौन सा आएगा बोलो जरा, बी सी डी ई डी, देखो बी से चालू किया, बी तक आ गई, ये वाला सेकंड लूप, समझ रहे ना। पहला लूप मतलब इधर से ऐसा आएगा, ये वाला फर्स्ट लूप हो गया। सेकंड लूप ये वाला, बी सी डी ई डी, और कौन सा लूप बन सकता है, क्या और वाला एक लूप बनेगा, थर्ड वाला लूप कौन सा आएगा, थर्ड लूप बोलो जरा। इधर से चालू करते ए से, लेकिन इधर टर्न नहीं लेते, सीधा ऐसे ही जाते, ये वाला एक, ये वाला कौन सा लूप आएगा, थर्ड लूप, क्या नाम आएगा उसको बोलो जरा, ए पूरा ही नाम लेते, इधर से बी, और अपने सी के ऊपर आए, सी डी ई एफ ए, बीच वाला बी नहीं लिखा तो भी चलेगा, और ई भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, डी के बाद डायरेक्टली एफ लिखा तो भी चलेगा, मतलब ये पूरा एक लूप आएगा। ऐसे कितने क्लोज लूप है इसके अंदर, तीन लूप है, कितने लूप है, तीन लूप। और ये बीच में हमने क्या लिखा, इधर रेजिस्टेंस ज्वाइंट किया है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट बोला जाता है। ये वाला क्या आएगा, रेजिस्टेंस है ना, तो ये सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको कंपोनेंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये वाला क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या बोलेंगे हम, सेल, ईएमएफ मतलब क्या हो गया, सेल। तो ये सेकंड लॉ लूप के बारे में, लूप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि लूप के अंदर कैसे ईएमएफ के बारे में रहेगा, ईएमएफ। और देखो अभी इसमें देखते सेकंड लॉ क्या बोला है, तो पहले इसको सर्किट को थोड़ा नाम देते, सर्किट में अभी सेकंड लॉ क्या बोला है, इन अ क्लोज नेटवर्क, देखो इन अ क्लोज नेटवर्क, इन अ क्लोज सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इन अ क्लोज लूप, लूप या फिर नेटवर्क बोलेंगे, इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, किसका किसका, अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल, अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड और पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इन अ क्लोज लूप, या फिर इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, समझे ना। अब मैंने डिटेल लिखा नहीं है इधर, आप बुक में से देखो लो, इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मतलब ऐसे क्लोज लूप में, ये वाला ही क्लोज लूप हो गया, ये वाला सेकंड क्लोज लूप हो गया, और ये वाला पूरा थर्ड, ऐसे इन तीनों क्लोज लूप में क्या बोलेंगे हम, ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस,
इनका अगर हमने टोटल किया तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऑल ई एम ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनका टोटल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हो, ई एम कैसे आएगा, सिग्मा ई प्लस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सिग्मा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी रहता है ना, तो वी की जगह क्या आएगा, आई आर। वी की जगह क्या लिख सकते हो, आई आर, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। समझे ना, मतलब कोई भी लूप लिया, सपोज ए बी ई एफ ए, इस क्लोज नेटवर्क में क्या बोलेंगे हम, जितने भी ई एम एफ है ना, हम बाद में देखेंगे कितना ई एम एफ जोड़ा है उधर, जितना ई एम एफ है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना, उसका सबका टोटल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अभी इसमें भी साइन कन्वेंशन रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या, कि कौन सा ई एम एफ पॉजिटिव मानने का, कौन सा नेगेटिव, पहले इसको नाम देते हैं, कौन सा ई एम एफ पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। सपोज इसको नाम दिया ई वन, है ना, ई एम एफ वन है, तो इसको नाम क्या लिखा मैंने, ई वन, और इसको नाम क्या लिखा, ई टू। अभी देखो इधर से क्या आएगा, इधर सपोज आर वन है, ये रेजिस्टेंस कौन सा नाम लिखा, आर वन, ये वाला रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया है, आर टू, इसका नाम क्या है, आर थ्री, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, आर फोर, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, आर फाइव। अभी हम मानते हैं कि करंट ए से बी तक फ्लो हो रहा है, ए से लेके बी तक। अभी हमने इधर दो सेल जोड़ा है ना, दो ई एम एफ जोड़ा है ना, तो इसमें से करंट ऐसा जाएगा, इधर देखो इधर से करंट कितना निकला, आई करंट निकला, सपोज इसमें से करंट कितना आया, सपोज क्या मानते हैं, आई वन, इस डायरेक्शन में आ गया, कौन सा करंट है, आई वन, तो इसमें भी कितना करंट फ्लो हो जाएगा, आई वन, और इस ई एम एफ की वजह से करंट इधर आ जाएगा ऐसे टाइप में, इसका नाम क्या लिखा हमने, आई टू। देखो ये वाला ई एम एफ में से मतलब एक सेल है ना, इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, ये करंट कौन सा है, आई वन मानते हैं, आई वन करंट इधर से इधर आ गया, और ये वाला आई टू करंट इधर से इधर तक आ गया, तो इधर अंदर जाने वाला करंट देखो, दोनों भी करंट एक साथ आ जाएंगे, तो अंदर करंट कितना आ जाएगा, ये वाला अंदर कितना करंट आएगा बोले, जरा आई वन प्लस आई टू, बरा ना, इधर से देखो ये वाला आई वन आ रहा है, ये वाला आई टू आ गया, इधर आने के बाद अंदर आएगा तो दोनों भी आई वन आई टू आ जाएगी। अभी वापस इधर आने के बाद करंट क्या हो जाएगा, इधर से देखिए इधर तक आई वन प्लस आई टू आएगा, इधर अभी उसको दो रास्ते मिल रहे हैं वापस, इधर वापस करंट कौन सा आएगा, ऊपर आई वन, जो इधर का करंट था इधर गया, इधर करंट कौन सा आएगा, आई टू, बराबर। तो इधर भी कितना करंट आएगा, इस रेजिस्टर में से आई वन ही आएगा, इधर से भी कितना करंट आएगा, आई वन, और इधर से कितना करंट आएगा, आई टू। देखा इतना, अभी सेल में ये वाला कौन सा रहता है, माइनस, ये वाला कौन सा रहेगा, माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, समझेगा। अभी इस लूप के ऊपर सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, इस लूप के ऊपर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, सेकंड लॉ, कौन सा था सेकंड लॉ, हमने बोला था कि ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन किसमें, क्लोज लूप में। तो पहले हम लूप लिखते हैं कि कौन से लूप में इस लॉ को अप्लाई करने का है, तो पहले हम लूप लिखते हैं, लूप का नाम क्लोज नेटवर्क कौन सा लिखेंगे, देखो ए बी लिखा, ए बी ई एफ, ये वाला लूप मतलब ए बी ई एफ ए है, लेकिन उससे पहले कुछ साइन कन्वेंशन देखते हैं थोड़ा, यार लिखा ए बी क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं, समझे ना। तो साइन हमें दो के बारे में साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, किसका, एक ईएमएफ के बारे में और दूसरा साइन कन्वेंशन किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अरे तो देखो अगर सपोज हम ये रास्ते से जा रहे हैं, ये कौन सा रास्ता है, करंट का रास्ता है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना,
और ये रास्ता क्या हो गया, अपोजिट टू करंट। तो हम ऐसे बोलेंगे साइन कन्वेंशन, किसका पहला, पोटेंशियल डिफरेंस, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हम जैसे डायरेक्शन में करंट जा रहे, करंट जा रहे उसी डायरेक्शन में जा रहे, समझे ना, मैं लिखता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसी डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानेंगे हम, माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानेंगे, माइनस, समझे ना। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानेंगे, माइनस। और अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू करंट मतलब क्या, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम ऐसा उल्टे आ रहे हैं, समझे ना, हम अपोजिट आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मानेंगे हम, प्लस। समझेगा, ध्यान रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको ऐसे याद कैसे रखोगे कि देखो इधर से लेके इधर तक हम फ्लो कर रहे हैं, समझे ना, इधर का पोटेंशियल है वी वन, इधर का पोटेंशियल है वी टू, तो करंट किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल, समझे ना। इसका मतलब क्या है कि वी वन के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, वी टू के ऊपर पोटेंशियल कम है। तो अभी अगर हम ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, तो ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कम होते जाएगा, है ना, पोटेंशियल कम होते जाएगा। और अगर उल्टा आएंगे तो ये वाला पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, राइट। तो याद रखो, तो पहले क्या बोलेंगे, साइन कन्वेंशन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, समझे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानेंगे, नेगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों बात समझ रहे हैं, ध्यान से देखो, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेल के बारे में, सेल के बारे में क्या बोलेंगे, ई ई वन या फिर ई एम ए बोलते हैं ना, तो ई एम ए पॉजिटिव रहेगा, कभी हम माइनस टू प्लस जाएंगे तो इधर से, मतलब ये वाला सेल है, अगर हम माइनस से लेके प्लस तक आएंगे तो ई एम ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हम क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, समझे ना, ये हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और अगर उल्टा जाएंगे प्लस टू माइनस जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। मतलब इतना याद रखो, देखो माइनस से लेके प्लस तक आ रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव के पास जा रहे हैं, तो वो साइन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और अगर उल्टा जाएंगे प्लस से लेके माइनस तक जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव, क्या, ई एम एफ। हाँ, और करंट का, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे रहता है, उल्टा रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इधर से देखो, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या मानेंगे, माइनस, और अगर उल्टा आएंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल क्या बोलेंगे, प्लस। समझेगा, तो ये जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसके ऊपर तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो चार ही साइन है, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें सपोज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, 11th में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज ना, तो वी किसके बराबर रहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जब हमें पोटेंशियल चाहिए तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे, किसका, करंट और उसमें से रेजिस्टेंस कितना है, समझे ना, वी किसके बराबर होता है, आई इंटू आर। एक लूप अगर हमने एक बार सॉल्व किया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, समझेगा। तो देखो मैं इधर वापस सेपरेट लिख के भी रखता हूं, करंट की डायरेक्शन में अगर जा रहे, समझे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अपोजिट अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव, समझेगा, इतना याद रखो। और दूसरा क्या था, ईएमएफ, ईएमएफ के बारे में तो इजी है, ईएमएफ क्या बोलेंगे हम, माइनस टू प्लस जाएंगे तो ईएमएफ क्या आएगा, प्लस आएगा, और उल्टा अगर प्लस टू माइनस जाएंगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस, समझेगा। ये दो साइन याद रखो। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो ईएमएफ क्या हो, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले एक सर्किट लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पहला ये वाला सर्किट है कौन सा, ये वाला क्लोज लूप है, ए बी ई एफ ए। इस क्लोज लूप में हम क्या ऐसे लगाएंगे लॉ, तो पहला देखो इधर से ये करंट आ गया ना आई वन, है ना, ये वाला इस रेजिस्टेंस में से जाएगा, तो हम पहले ऐसे जाते ए से लेके बी तक जाते, इधर से जब आएगा तो ये दोनों के बीच में ये वाला कंपोनेंट हो गया, रेजिस्टेंस मतलब कंपोनेंट आ गया, इस कंपोनेंट के बीच में कितना पोटेंशियल रहेगा, तो पोटेंशियल के बारे में हमने क्या लिखा था, आर वी इज इक्वल टू आई आर ना, इधर पोटेंशियल करंट कितना आ रहा है, आई वन आर टू, इनके बीच में पोटेंशियल कितना रहेगा बोलो जरा, करंट आ रहा है आई वन और रेजिस्टेंस कितना है आर टू। तो अभी हम ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बोलो जरा, करंट इधर आ रहा है और हम भी काउंट किधर से करते गए, ए से लेके बी तक, तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये किधर आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ना, तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस, इसने उसको साइन क्या दिया, माइनस। अभी आगे देखिए, इधर से लेके इधर तक हो गया, अभी इधर जाते बी से लेके ई तक, इसमें कितना कंपोनेंट मिल रहा है बोलो जरा, ये रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई वन प्लस आई टू, ये इनके बीच में पोटेंशियल कितना आएगा बोलो जरा, सेम पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे, रेजिस्टेंस और उसमें से फ्लो होने वाला करंट, ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, तो इधर क्या आएगा, आई वन प्लस, सॉरी आई वन प्लस आई टू और इंटू क्या आ जाएगा, आर थ्री, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा इधर, प्लस है कि माइनस, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, माइनस रहेगा, समझ रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, माइनस। अभी इधर से इधर तक हो गया, इधर से लेकर करंट इतना आई वन ही है, लेकिन कुछ कंपोनेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसके बीच में देखेंगे, है ना, ये देखो अभी हम इधर इधर का पोटेंशियल कितना रहेगा, आई वन आर वन, कितना आएगा, आई वन आर वन, लेकिन ये बोलो जरा प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझे ना, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, इसमें भी क्या आएगा, माइनस, समझे ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इधर भी क्या आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस आई वन आर वन, और क्या रह गया, ईएमएफ, समझे ना, तो ईएमएफ के लिए मैंने क्या लिख दिया, ई वन, तो अभी ये वाला ई वन ईएमएफ है तो पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव आएगा, साइन बोलो जरा इधर, अब किधर तक आ रहे, इधर से ऐसे आ रहे ना, मतलब माइनस से लेके प्लस की तरफ आ रहे, देखो माइनस से लेके प्लस की तरफ जा रहेंगे, तो ये में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए क्या लिख रहे इधर, पॉजिटिव, ये में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, समझेगा इतना। और इनका सबका टोटल कितना हो जाएगा, जीरो, इनका सबका टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बताता है, ऑल द ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाद में इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर सकते हो, समझ ना, ब्रैकेट को बाद में आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है, ये हो गया पहला लूप के बारे में। अभी
सेकंड लूप देखते हैं, ये आएगा समझ में? सेकंड लूप बोलो जरा, सेकंड लूप कौन सा आएगा? ब्रैकेट आप खुद सॉल्व कर दो, मैं इधर नहीं लिखते जा रहा हूँ। सेकंड लूप कौन सा आएगा? बी, बी से लेके देखते हो, बी सी बी, उसके बाद क्या आएगा? ई और बी, समझ ना, मैं इधर ही आके लिखता हूँ। देखो ये वाला इधर से चालू करते, बी सी डी ई डी, इस लूप के बारे में देखते हो। इस लूप में क्या आएगा बोलो जरा? इस लूप में भी क्या देखने का? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, क्या क्या देखने का है? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कैलकुलेशन करने का। तो पहले इधर से लेके चलते हैं, बी से लेके इधर तक आएंगे, है? अभी देखो इधर करंट आई टू है ना, तो इसके अंदर भी करंट कितना रहेगा? ऐसे आ रहा है ना, ये वाला करंट कितना रहेगा? आई टू रहेगा। तो मैं इधर इधर का पोटेंशियल कितना आएगा बोलो जरा? आई टू आर फोर, पोटेंशियल कैसे रहेगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई टू इंटू आर फोर। लेकिन हम किधर तक जा रहे हैं? बी से लेके सी तक जा रहे हैं ना, मतलब ये वाले रास्ते से ऐसे जाने वाले। तो ये करंट की डायरेक्शन में हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया? करंट ऐसे जा रहे हैं, देखो करंट इधर से आएगा, ऐसा जा रहे हैं, और हम कैसे आ रहे हैं? उल्टा आ रहे हैं ना। तो ये वाला आई टू इंटू आर फोर, ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? क्या आएगा? ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, प्लस से, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर से लेके इतना तक आगे। अभी इसके बारे में बोलो जरा, ये वाला ई टू, अभी हम ई टू किधर से जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस से लेके माइनस की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? प्लस से लेके माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो ई वन क्या रहेगा? ये वाला ई टू क्या रहेगा? प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ई टू क्या रहेगा? माइनस, समझे ना, प्लस टू माइनस जाएंगे तो ई एम क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, है? अभी इसके बारे में देखो जरा, ये वाला भी अपोजिट टू करंट है, समझे ना। तो इसमें पोटेंशियल कैसा आएगा? आई टू आर फाइव, आई टू इंटू आर फाइव, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा? अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू अगर करंट रहेगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा? प्लस रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा? प्लस, पॉजिटिव आएगा ना, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहे, तो ये पोटेंशियल क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगेन इधर से इधर तक आएंगे, देखो जरा इस डायरेक्शन में क्या आएगा, कितना आएगा करंट? कितना है? आई वन प्लस आई टू इंटू कितना आ जाएगा? आर थ्री। लेकिन ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? ये भी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट है, समझे ना, ये भी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये वाला क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। ये वाला क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो, समझ रहे? और अभी थर्ड वाला लास्ट, थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे? पूरा ही लूप लेंगे, थर्ड के लिए हम पूरा लूप लेते हैं। जैसे पूरा लूप मतलब कौन सा आएगा? पूरा सर्किट ए सी डी एफ ए, क्या आएगा बोलो जरा? थर्ड लूप कौन सा आएगा? ए सी, लास्ट में क्या है? डी एफ ए, एफ ए, बराबर। अभी इसमें देखो, अगर ये तो आपको बात समझ में आया रहेगा तो इजीली आप खुद भी लिख सकते हो, बोलते जाओ फटाफट क्या क्या आएगा। इधर से ए से चालू करते हो, ये वाला करंट कौन सा आ रहा है? आई वन, इधर लिख दिया मैंने आई वन और आर टू, लेकिन ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये वाला क्या आ जाएगा? माइनस। फिर इधर से लेके इधर तक करंट कितना है? आई टू, और रेजिस्टेंस कितना है? आर फोर, मतलब ये पोटेंशियल ना, इनके बीच वाला पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है? आई टू, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर फोर। लेकिन अब ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा बोलो जरा? करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब अपोजिट टू करंट, तो ये क्या आएगा? प्लस, है? अभी ये वाला ईएमएफ, ईएमएफ में देखो हम ऐसे जाएंगे ना, अभी हम प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएंगे,
तो ये में क्या आएगा बोलो जरा, माइनस क्या आएगा, ये में माइनस आएगा। तो इधर क्या लिख दिया मैंने, माइनस ई टू। वापस इधर से लेके इधर तक देखो, ये अपोजिट टू करंट है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। ये वाला क्या आएगा बोलो जरा, प्लस है ना, क्या आएगा, आई टू आर फाइव, आई टू इंटू आर फाइव। अभी इधर से कुछ इलिमेंट नहीं है बीच में, इधर कुछ कंपोनेंट नहीं, तो डायरेक्टली हम इधर आते। अभी देखो इधर क्या आएगा, आई वन आर वन, लेकिन ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा बोलो जरा। हम ऐसे जा रहे हैं, करंट कैसे जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ये वाला क्या आएगा, माइनस आई वन आर वन आएगा। और लास्ट वाला ये वाला कंपोनेंट ई वन, तो ई वन अभी प्लस आएगा कि माइनस आएगा बोलो जरा। हम किधर जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, ए मतलब माइनस से लेके प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस, और इनका सबका टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबका टोटल कितना आएगा, जीरो हो जाएगा। आएगा समझ में? बाद में आप इसको सॉल्व करके सेपरेट आई वन आई टू और ई वन को अलग अलग ले सकते हो, जब आपको बुक में भी सॉल्व करके दिया है। शायद हो सकता है ये आपको पहले सब कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझे ना, फर्स्ट टाइम जब लेक्चर देखोगे ये वाला आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये वाला अगर आपने समझ के लिया और बाद में सॉल्व करके गए तो सबसे इजी चैप्टर है ये वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे इजी चैप्टर रहेगा। सिर्फ आपको बायट नहीं करते जाने गए कि माइनस आए, माइनस कभी रहेगा, प्लस कभी रहेगा। दो चीज समझ के लो, कौन सा दो चीज, देखो जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगी तो पोटेंशियल क्या रहेगा, निगेटिव, और अपोजिट टू करंट रहेगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव है। और ईएमएफ का कैसा रहता है, प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस और माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस। बस ये दो चीज समझ लो, और बाद में ऐसे एक दो बार सर्किट आपने अगर रिवाइज किया तो ये इजीली आप समझ सकते हो। समझेगा, देखोगे इतना, देखो इतना।